खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छपरी कही के एक ढूंढी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खपरी नाव है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। दर्शक लोग नमस्कार नमस्कार, कैसन हो? बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और सबको बहुत बहुत प्यार। आपके लिए एक गाना तो हमको पूरा नहीं आता है पर एक लाइन जरूर गाएंगे। तुमसे मिलने को दिल करता है, ओ दर्शक आपसे मिलने को दिल करता है। आगे हमको आता दर्शक तो अब काहे उम्र हो गई है ना, तो अपनी याददाश्त कमजोर हो गई है, अब याद नहीं रहता है दर्शक लोग। वो तो सब है ठीक है, वो गुल्लक जो सीरीज नहीं आया था, उनमें जो वैभव जी नहीं है, रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, का स्ट्रगल के बारे में बात की है, मोटिवेशन मतलब बहुत सही बात की है। पहले चलिए अब हम ना आपको उनकी खबर दिखाते हैं। क्या गुल्लक फेम वैभव राज गुप्ता रेलवे स्टेशन पर करते हैं काम? जी हाँ, इंडियन वेब सीरीज गुल्लक 3 की सफलता के बाद अन्य उर्फ अभिनेता वैभव राज गुप्ता कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस सीरीज की जमकर तारीफ हो रही है, कई मीम्स भी बन चुके हैं जिन्हें वह बार बार अपनी स्क्रीन पर देख कर थक चुके हैं। बस फिर क्या है, उन्होंने अब सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का मन बना लिया है। वही हाल ही में एक खास बातचीत के दौरान वैभव राज गुप्ता ने गुल्लक की सफलता, अपने स्ट्रगल की कहानी और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बात की है। बता दें कि इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, गुल्लक को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वह काफी कमाल का है, अच्छा लग रहा है। हालांकि सच कहूं तो मैं अब इस तारीफ से थक चुका हूं। सोशल मीडिया पर इसके मीम्स बन रहे हैं, इसकी खूब तारीफ हो रही है, जिसे मैं बार बार पर्दे पर देखकर थक चुका हूं। मैं कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लूंगा। ऐसा नहीं है कि ये तारीफ अच्छी नहीं लगती, बस अब मैं थोड़ा थका हुआ महसूस करता हूं। एक अभिनेता के तौर पर अब मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ नया सुनना चाहता हूँ, कुछ नया पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, दर्शकों के प्यार के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मेरा परिवार कला और संस्कृति से जुड़ा है। मेरे दादा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। मैं भी पढ़ाई से ज्यादा कला का कीड़ा था, हालांकि मैं अपने करियर को लेकर बेफिक्र था। साल 2007 में हमारे शहर में मिस्टर सीतापुर प्रतियोगिता हुई। उस दौरान उस कॉम्पिटिशन का स्टेज देख कर मेरे इमोशंस काफी बदल गए, वहीं से मेरे मॉडलिंग का सफर शुरू हुआ। दूसरी ओर मेरे पिता चाहते थे कि मैं लखनऊ से सीए की पढ़ाई करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। काफी पड़ताल के बाद मैं मुंबई मास कम्युनिकेशन करने आया। मेरे एक दोस्त के कहने पर थिएटर ज्वाइन किया। मेरा पहला नाटक अग्नि और बरका था, जो बहुत हिट हुआ। यहीं से मेरे अभिनय का सफर शुरू हुआ। जब मैं मुंबई आया तो मैं कॉल सेंटर में शामिल होना चाहता था। उस समय बस यही सोचकर खुशी होती थी कि मैं एसी में बैठूंगा, इंग्लिश बोलूंगा और सैलरी भी अच्छी आएगी। हालांकि जब भी मैं इंटरव्यू के लिए गया, मेरा चयन कभी नहीं हुआ। दूसरी ओर थिएटर में पैसे नहीं थे, जाहिर तौर पर पैसे की बेहद जरूरत थी। दरअसल मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करता था और उस वक्त स्टेशन पर कुछ लड़कों को ग्रीन पीस नामक एक एनजीओ के पर्चे बांटते देखा। उस समय मैंने इस एनजीओ के लड़कों से कंपनी के बारे में जानकारी ली और एक इंटरव्यू दिया। दूसरे दिन से ही मैंने रेलवे स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया। वह मेरा सबसे कठिन काम था, क्योंकि मुझे रुकना था और लोगों को इस एनजीओ के बारे में मंच पर बताना था। मैंने लगभग 6 महीने काम किया, जिसके लिए मुझे 8,000 रुपए प्रति माह मिलते थे। हालांकि मैंने कभी थिएटर नहीं छोड़ा। वह सुबह रेलवे स्टेशन पर काम करते और शाम को रिहर्सल करते। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्ट्रगल सम स्ट्रगल तो हम भी बहुत किए हैं दर्शकों, का बताए बहुत स्ट्रगल। क्या अभी बताएंगे? नहीं, किसी दिन चाय पे आइए। हमारे चिंटू के पापा ने बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं। उनसे बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिलाएंगे आपको। अभी तो जाते हैं, नई खबर लेकर आते हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा, जरूर से बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की दर्शकों।